अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवायती लज्जतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बना रहे हैं वेरी डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी और सबकी पसंद वेज गार्लिक मायो सैंडविच। वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं हम और ये बहुत टेस्टी बनती है। अफ्तार रेसिपी है पर आप कभी भी बना सकते हो। फ़िलहाल रमज़ान है, अफ्तार के लिए हम बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल, इसमें हम डाल देते हैं 1/3 कप मेयोनीज, 1/3 कप कैरेट ग्रेटेड, 1/3 कप रेड बेल पेपर, 1/3 कप रेड बेल पेपर चॉप की हुई डाइस्ड, 1/3 कप येलो बेल पेपर डाइस्ड, 1/3 कप स्वीट कॉर्न्स, 1/3 कप ग्रीन बेल पेपर डाइस्ड, 1 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक, 1 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक यानी लहसुन, 1/2 टीस्पून क्रश्ड पेपर, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड यानी चॉप्ड ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 1 टेबलस्पून क्रश्ड आमंड्स, बादाम थोड़े से क्रश्ड, 1 टेबलस्पून मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारा वेजिटेबल मिक्स तैयार है, अब हम सैंडविच तैयार करते हैं। हमने लिया है ब्रेड स्लाइसेस, हम इसको बटर लगाएंगे। दूसरी स्लाइस पे भी बटर लगा लेंगे हम। अब हम फिलिंग करते हैं, जो हमने मायो वेज मिक्स बनाया है इसको हम इस पे डाल दें। आप चाहे तो इसे तवे पे भी सैंडविच बना सकते हो और चाहे तो सैंडविच मेकर में भी इसे सैंडविच बना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। ग्रिल पे भी बना सकते हो। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। चीज़ मैं लिमिटेड डालूँगी, आप चाहे तो चीज़ स्लाइसेस भी इस पे रख सकते हैं, लेकिन अफ्तार के लिए ज़्यादा चीज़ अच्छा नहीं है। दूसरे टाइम पे चीज़ अच्छा होता है, चीज़ खा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन अफ्तार के लिए इतना नहीं। तो अब ये दूसरा वाला स्लाइस हम इसके ऊपर रख देते हैं, दूसरा वाला भी ऐसे ही बना लेते हैं हम। एक को हमने इसके साइड्स निकाले हैं, एक के साइड्स ले लिया है सैंडविच मेकर, हमने इसको ऑन कर दिया है, इसमें रख देते हैं हम और इसको पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, जितना ये बंद हो सकता है बस उतना ही। बस अभी कुक हो जाए। Thank you.
तो पेशे खिदमत है हमारा गार्लिक मायो वेजिटेबल सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, इस रेसिपी को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।